गुजरात में चुनावी सरगर्मियों के बीच राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज अहमदाबाद के ददुआ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से पूछा है कि साल 2019 में सुन्नी वक्फ बोर्ड लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस। रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के सांसद कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज का पक्ष रख रहे हैं। इन वकील होने के नाते उनका हक है कि मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है कि वे बाबरी मस्जिद बचाने के लिए वकालत कर रहे हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप दलील रख सकते हैं किंतु सुप्रीम कोर्ट में ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि आप साल 2019 के चुनाव तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद सुनवाई टाल दें। दरअसल अयोध्या विवाद को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने कल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था। कपिल सिब्बल समेत तीन वकीलों ने कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जुलाई साल 2019 के बाद करने की मांग की थी। कपिल सिब्बल की इस मांग को बीजेपी ने हमला बोला है और राहुल गांधी से राम मंदिर पर अपना स्टैंड साफ करने की अपील की है। कई काले तो मैं जो हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस का वकील, कांग्रेस का पार्लियामेंट का मेंबर कपिल सिब्बल कोर्ट में मुसलमान समाज ना पक्ष में वकीलात करे एमनो हक छे, हमारा एमा कोई फरियाद नहीं। बाबरी मस्जिद बचावा माटे कोर्ट में वकीलात करे एमने अधिकार छे, एमा अमने वांधो नहीं। तमे दलीलो करीने केस नी अंदर विगतवार विगतो मूको ए भारतना न्यायतंत्रनो नियम छे, पण तमे कोर्ट में एवी कहेवानी हिम्मत करो કે 2019 માં લોકસભાની ચૂંટણી છે ત્યાં સુધી આ કેસ ના ચલાવવો જોઈએ। શું ભાઈઓ બહેનો, આ રામ મંદિરનો મુદ્દો પણ ચૂંટણીઓના નામે લટકાવવાનો? આજ સુધી આ દુર્દશા કરી છે, આજ સુધી આ દુર્દશા કરી છે એ મને હવે સમજાયું। આ એમના ચૂંટણીના કાવા દાવાઓમાં જ આવા બધા મહત્વના પ્રશ્નોને લટકાવી રાખવાનું પાપ કર્યું છે। એટલે ભાઈઓ બહેનો, સુપ્રીમ કોર્ટમાં તમે બીજી વકીલની દલીલો કરો ને ભાઈ, બંધારણની કલમો ટાંકો, લોકસભાની ચૂંટણી છે માટે અને કોઈ વકફબોર્ડ ચૂંટણી લડે છે ભાઈ? કોંગ્રેસ વાળા કહે છે આ તો કપિલ સિબ્બલનો પોતાના વિચારો છે। શું વકફબોર્ડ ચૂંટણી લડે છે? ચૂંટણી લડવાના વિચારો વકફબોર્ડના છે? અરે ચૂંટણી કોંગ્રેસ પાર્ટી લડે છે, અને તમને લાગે છે કે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર રામ મંદિરનો જે કંઈ નિર્ણય થાય એના કારણે એમને રાજકીય લાભ અને ગેરલાભ આ જોવાનું કે ભારતનું ભલું થાય એ જોવાનું હોય?